नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश द गुरु, बात मोदी की। गुरु में आज बात रेल की, मेल की, राष्ट्र की, रफ्तार की, सुधार की, बदलाव की। गुरु ने 10 सालों में भारतीय रेल का कायाकल्प कर दिया है। नए ट्रैक से लेकर आधुनिक स्टेशन की नींव रखी जा रही है। ट्रेन की रफ्तार में इजाफा हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत ट्रैक पर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन उतारी गई हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। माल ढुलाई के लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर विकसित किया गया है। आज भारतीय रेल में एक से बढ़कर एक बुनियादी सुधार हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। बदलते देश के साथ साथ रेलवे भी बदल रहा है, और जिसने ये बदलाव की बयार बहाई है, गुरु। नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन हम तो गुरु ही कहेंगे। रेलवे को भारत में लाइफलाइन माना जाता है। करोड़ों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। दुनिया का चौथा और एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, तो भला रेलवे कैसे पीछे रह सकता है। बीते 10 सालों से रेलवे ट्रैक का जाल बिछाया जा रहा है। नई तकनीक के जरिए रेलवे में बुनियादी सुधार किए जा रहे हैं। आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। वंदे भारत जैसी स्वदेशी ट्रेनों ने रेलवे की रफ्तार में काफी इजाफा किया। छोड़ते ट्रैक पर दौड़ लगाती ट्रेन बीते दौर की बात हो चुकी है। अब मेक इन इंडिया के तहत हाईटेक ट्रेन ट्रैक पर दौड़ लगा रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी चल रही है। पुराने जर्जर रेलवे स्टेशनों की जगह अब एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बिल्डिंग बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने 10 सालों में रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। रेलवे को भारत में लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना हजारों ट्रेनें चलाई जाती हैं, जो कि पृथ्वी के अनुपात में रोजाना धरती का 5 गुना चक्कर लगाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के जितना तकरीबन 2.5 करोड़ यात्री रोजाना रेल से सफर करते हैं। देश भर में 7,172 स्टेशन रेलवे नेटवर्क से जुड़े हैं। देश में रोजाना करीब 22,593 ट्रेनों का चलान किया जाता है। इसमें 13,452 यात्री ट्रेनें और 9,141 गुड्स ट्रेनें शामिल हैं। मोदी सरकार ने साल 2022-23 में रेल नेटवर्क में 5,243 किलोमीटर विस्तार दिया है, जो कि स्विट्जरलैंड रेलवे के बराबर है। बीते 10 सालों में भारतीय रेल में 25,434 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जो कि जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। साल 2022-23 में रोजाना 14 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया। अब रेलवे ने 16 किलोमीटर प्रतिदिन ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में कुछ समय पहले तक रेलवे में सुधार के नाम पर केवल ट्रैक का जाल बिछाया जाता था। स्टेशनों को बेहतर बनाने के नाम पर महज बैठने भर की व्यवस्था कर दी जाती थी। ट्रेन कई घंटे की देरी से चलती थी, लेकिन ये पीएम मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज न केवल देश में ट्रैक्स का जाल बिछाया जा रहा है, बल्कि स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है भोपाल का कमलापति स्टेशन, काशी का मरुआ डी स्टेशन और लखनऊ का गोमती रेलवे स्टेशन, जिसकी खूबसूरती ऐसी है कि पश्चिमी देश देखकर जल भुन जाते हैं। 15 फरवरी 2019, आज से ठीक 5 साल पहले पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चलाई गई।
देखते ही देखते इसने रेल के क्षेत्र में क्रांति ला दी। वंदे भारत न केवल एक बेहतरीन ट्रेन साबित हो रही है बल्कि दुनिया के कई ट्रेनों से इसकी लागत काफी कम आई है। इसकी वजह है पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मेक इन इंडिया के तहत देश में बनी पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। 2019 से शुरू हुआ वंदे भारत का सिलसिला अब 35 ट्रेनों तक पहुंच चुका है और आने वाले सालों में इसकी संख्या 350 तक करने की योजना है। वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे में भारत की गौरव गाथा में वंदे भारत ट्रेन का बड़ा योगदान है। इस अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने देश में रेल यात्रा में क्रांति ला दी है। इससे न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। अपनी अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधा के साथ इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए वंदे भारत ट्रेन की खासियतों से रूबरू कराते हैं। मेक इन इंडिया के तहत निर्माण 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में सक्षम, बुलेट ट्रेन की तरह दोनों ओर इंजन, प्लान की तरह जैव वैक्यूम शौचालय, एक ट्रेन की लागत 100 करोड़। पीएम मोदी ने देश में विकास की नई इबारत लिखी है। चाहे गरीबों का कल्याण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान हो, वैश्विक स्तर की सड़कें हो, रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हो, हर वो चीज जो असंभव जैसा लग रहा था, मजबूत इरादे और दूरदर्शी सोच से पीएम मोदी ने करके दिखाया है। देश को न केवल प्रीमियम ट्रेनें मिली हैं, बल्कि इसके साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। आज भारतीय रेल की न केवल देश में विश्वसनीयता बढ़ी है बल्कि दुनिया के कई देश भारत में रेलवे के काम को देखकर दंग हो जाते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। रेलवे की कमाई में 67% योगदान गुड्स ट्रेनों का है। रेलवे को सबसे ज्यादा आमदनी या कहें कि रेलवे की आय का साधन माल ढुलाई से आता रहा है। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में रेलवे 1058 मेट्रिक टन की माल ढुलाई किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 9 सालों से रेलवे की बुनियादी क्षेत्रों में जो काम हुआ है उसका ही नतीजा है कि साल 2023 में रेलवे 1512 मेट्रिक टन माल की ढुलाई कर रही है। आने वाले समय में 3 नए कॉरिडोर, ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात धन तत्व कॉरिडोर शामिल है। जब नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली थी, मालगाड़ी की औसत स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना की वजह से मालगाड़ी अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ लगा रही है। सस्ते में माल को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। रेलवे में सबसे बड़ा काम जो नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार के दौरान हुआ है वह रेलवे की नई रेल लाइन बिछाने का काम है। 2004 से 2014 के बीच 14,985 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया। 2014 से 2023 के वित्तीय वर्ष तक 25,871 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया।
2023 से 2014 के बीच 5200 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच 16 किलोमीटर प्रति दिन ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के कुल रेलवे नेटवर्क के बराबर साल 2023 में अब तक रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया गया। बीते 10 सालों में भारतीय रेल में 25,871 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जो कि जर्मनी के कुल रेलवे नेटवर्क के बराबर है। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा दूर की सोचते हैं। तेल खपत मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और अपनी जरूरत का 85% आयात करता है, जिस पर सालाना तकरीबन 15 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च करता है। डीजल पर रेलवे की निर्भरता कम करने के मकसद से उन्होंने रेलवे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का बीड़ा उठाया है। 2004 से 2014 के बीच 5,188 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहीं 2014 से अब तक 37,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। अगले साल तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने भारतीय रेल को वर्ल्ड क्लास बनाने का बीड़ा उठाया है। रेल यात्रियों को सुविधाजनक, आरामदायक, सुरक्षित यात्रा के लिए नई नई तकनीकें लाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सभी ट्रेनों में धीरे धीरे पुराने ICF कोच को हटाकर नई तकनीक वाले LHB कोच लगाई जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट सत्र के दौरान इसका ऐलान किया। 40,000 बोगियां को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा। रेलवेज 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स विल बी इंप्लीमेंटेड। दीज आर एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, नंबर 2 पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, एंड नंबर 3 High traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. आइए आपको बताते हैं कि आखिर LHB कोच क्यों है खास। लोहे के मुकाबले काफी हल्का, काफी आरामदायक होते हैं, दुर्घटना की स्थिति में कम नुकसान, बर्थ की कैपेसिटी ज्यादा होती है, औसत स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अमृतकाल में रेलवे की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी ने रेल के साथ अब रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का बीड़ा उठाया है। तकरीबन 2000 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के विकास का काम शुरू हो चुका है। सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, एयरपोर्ट जैसा दिया जा रहा है। इन स्टेशनों के विकास पर तकरीबन 25,000 करोड़ के खर्च का लक्ष्य रखा गया है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं। पहले के समय में ट्रेन हादसे में जान माल का काफी नुकसान होता था, लेकिन अब रेलवे में LHB कोच यानी लिंक हॉफमैन बुश कोच के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। LHB कोच लोहे के मुकाबले बेहद हल्का होता है, हादसे के वक्त इसमें नुकसान कम होता है।
मोदी सरकार ने रेलवे के कायाकल्प को लेकर LHB कोच पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2014 में LHB कोच की उत्पादन क्षमता 543 थी, जो अब बढ़कर 31,000 हो गई है। साथ ही भारत में 2014 में इलेक्ट्रिक लोको की क्षमता जो 2064 थी, वो भी अब बढ़कर 7,000 हो गई है। आने वाले समय में 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह रेलवे में विकास के नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं, रेलवे में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, रेलवे को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारतीय रेल, जिसे किसी जमाने में डूबता जहाज कहा जा रहा था, पीएम मोदी के नेतृत्व में वो दुनिया की कई देशों को टक्कर दे रहा है। आने वाले समय में रेलवे की कई परियोजनाएं हैं जिस पर काम चल रहा है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब भारत में ट्रेन बिना ब्रेक के दौड़ लगा रही है और देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।